देखिए फल तो आपको भी मिलना है, आप रात दिन इस बारिश में जो सेवा कर रहे हैं भोले भंडारी भक्तों के लिए, जो बाइट लेने का काम सिर्फ भक्तों की कर रहे हैं, तो फल तो निश्चित तौर पर दैनिक रुड़की, आज जो एक रुड़की के लिए काम कर रहा है बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ, ये पूरे उत्तराखंड के लिए। धन्यवाद। मैं तो मानता हूँ दुनिया में इससे बड़ा कोई मेला अभी तक ना हुआ है ना आने वाले समय में होगा। आप इतना अच्छे से कवरेज कर रहे हैं कि शिव भक्त सब खुश होकर जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर। एक समय पे 5,000 या 10,000 कावड़ सेवा हो जाती है हमारे द्वारा। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, तो ऊपर वाला करवाता है जो करवाता है। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको बताया कि जिस तरह से लगातार कावड़ बढ़ती जा रही है उसी तरह से भोलों के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का शिविर हर वर्ष की भांति रुड़की नगर निगम के जो सभागार है वहां पे लगाया जाता है और इस बार का शिविर यहां पर कुंवर पंडे सिंह ठाकुर के द्वारा लगाया गया है, उनकी सभी टीम के द्वारा लगाया गया है। और यहां साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ ठाकुर पंडे सिंह है, क्या कहना चाहेंगे आज ये जो भंडारा आपके द्वारा चलाया गया है? धन्यवाद दीपक जी, मेरे द्वारा नहीं है, प्रभु की इच्छा से भंडारा चलाया गया और मैं ही नहीं, इसमें सभी जितने यार दोस्त हमारे सहयोगी मित्रगण हैं सभी लोग मिलकर इसको चलाते हैं। प्रभु ने जैसा सोचा, महादेव की, ये महादेव का सबसे बड़ा मेला है, मैं तो मानता हूँ दुनिया में इससे बड़ा कोई मेला अभी तक ना हुआ है ना आने वाले समय में होगा। तो भोले की कृपा सभी कावड़ भक्तों पर है, हम सिर्फ एक जरिया हैं, हम एक सिर्फ जरिया मात्र हैं जो हम इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, अब तक इस शिविर में कितने कावड़ियाँ आ चुकी हैं, कितने कावड़ियों ने अब तक यहाँ पर विश्राम वगैरह भंडारा ले चुके हैं अब तक? देखिए विश्राम बारिश की वजह से थोड़ी अव्यवस्थाएं हुई हैं, परंतु फिर भी 500 से 1000 कावड़ियाँ विश्राम कर लेता है आराम से और एक समय पे 5,000 या 10,000 कावड़ सेवा हो जाती है हमारे द्वारा। देखिए 5 से 10 हजार के बीच में लगातार जो कावड़ियाँ इस शिविर में पहुंच रहा है और यहाँ पर विश्राम भी कर रहा है और यहाँ पर जो है भोजन भी और प्रसाद भी ग्रहण कर रहा है। आपको बता दें हमारे साथ गुप्ता सर भी हैं, उनसे बात करेंगे। जी आ जाइए जरा एक मिनट। तरह के आप इस चीज को हम और आप सोच भी नहीं सकते कि इतना हम कर सकते हैं। इनकी मैं तो इनको बारंबार बधाई दूंगा जी कि ये इतना बड़ा 5-10 हजार 15 हजार इतने आदमियों को कैसे संभाल ले हैं। हर मेरी ओर से विशेष बधाई और आप लोगों को विशेष बधाई कि आप इतना अच्छे से कवरेज कर रहे हैं कि शिव भक्त सब खुश होकर जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर। जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार भोलों की सेवा यहाँ पर आप कर रहे हैं? बढ़िया काम करा जी, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, तो ऊपर वाला करवाता है जो करवाता है। आज किस तरह की सेवा लग रही है? ये दो जने हैं लग रहा है जी, दिल को सुकून मिल रहा है। देखिए जिस प्रकार से प्रणय प्रताप सिंह जी द्वारा बहुत बढ़िया, ये प्रथम बार शिविर जो लगाया गया है प्रणय प्रताप सिंह जी द्वारा लगाया गया है और प्रणय प्रताप को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है और बाबा केदार प्रणय प्रताप को ये जो इतनी सेवा कर रहे हैं इसका फल अवश्य दे। और मैं इन सब पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा। फल के लिए कर रहे हैं भंडारा? नहीं, देखिए फल तो आपको भी मिलना है, आप रात दिन इस बारिश में जो सेवा कर रहे हैं भोले भंडारी भक्तों के लिए, जो बाइट लेने का काम सिर्फ भक्तों की कर रहे हैं, तो फल तो निश्चित तौर पर दैनिक रुड़की, आज जो एक रुड़की के लिए काम कर रहा है बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ, ये पूरे उत्तराखंड के लिए। धन्यवाद। देखिए कहना नेगी जी का है कि भाई जो भोले की सेवा करता है फल निश्चित रूप से मिलता है, भले ही उसे आज नहीं कल मिले, तो सत्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भक्त हैं जो यहाँ के भोलों की जो सेवा में लगे हुए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे इसमें? हनी कहाँ से आयो? मैं गाजियाबाद से। क्या कहोगे शिविर के लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर रुककर? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार आयो? हाँ। आप? पहली बार आए, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार आयो? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए जो भोले हैं यहाँ पर साफ तौर पे कह रहे हैं बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर इस भंडारे में की गई है और साफ तौर पे कह रहे हैं भाई यहाँ का जो प्रसाद है वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है, इसलिए सबको जय भोले की।